मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित MIT कॉलेज में 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। MIT कॉलेज का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। इसको MIT मुरादाबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में स्मार्ट एनर्जी सिस्टम विषय पर 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। ये प्रोग्राम अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ एवं भारत सरकार के टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3 के द्वारा आयोजित किया गया है। इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुरादाबाद एवं आसपास के कॉलेजेस से 30 से अधिक शिक्षकों ने प्रतिभाग किया और अगले 4 दिनों तक वे सब स्मार्ट एनर्जी सिस्टम विषय पर IIT NIT जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों एवं इंडस्ट्रीज के विशेषज्ञों से अपने ज्ञान का आधुनिकीकरण करेंगे। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को नवीन पद्धतियों से अवगत कराना है, जिससे वे स्वयं अपडेट होकर छात्रों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराएं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर एस के गोयल, डॉक्टर ए स्वामी, नीरज अग्रवाल डायरेक्टर MIT, डॉक्टर रोहित गर्ग डीन प्रोफेसर डॉक्टर वी सिंह एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजुल मिश्रा द्वारा सरस्वती माँ की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। निदेशक MIT डॉक्टर रोहित गर्ग ने सभी वक्ताओं को उनके बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस कार्यक्रम में MIT एवं अन्य कॉलेजेस के प्रतिभागी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। प्रथम सेशन में प्रोफेसर SK गोयल ने सोलर ट्री के बारे में सभी श्रोताओं को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सोलर सेल्स को अगर एक पेड़ के आकार में लगाया जाए तो वे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा से उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा भी अधिक मात्रा में बिजली पैदा कर पाएगा। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक करार किया हुआ है, जिसके तहत टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में कई डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज की जाती हैं। इनमें से एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत नई टेक्नोलॉजीज पे जो फैकल्टी है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि फैकल्टी ट्रेंड हो तो आगे स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सके। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम है स्मार्ट एनर्जी के ऊपर, और इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से एक्सपर्ट्स आएंगे और लेक्चर देंगे। तो मैं खुद पंतनगर यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मेरे साथी हैं ये डॉक्टर SK गोयल, ये भी पंतनगर यूनिवर्सिटी से आए हैं और इन्होंने आज अभी एक सोलर ट्री पे प्रेजेंटेशन किया है। अच्छा सर, सोलर ट्री पर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया काफ़ी बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, तो थोड़ा सा आप ब्रीफ कर देंगे प्लीज़ कि सोलर ट्री बेसिकली होता क्या है। हाँ देखिए, जो आपके एनर्जी के सोर्सेज हैं वो डे बाई डे ख़त्म होते जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जीज एबंडेंटली अवेलेबल हैं। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हमें बड़ी सस्ते में और अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। तो सोलर ट्री एक यही कॉन्सेप्ट है, इसमें हम सोलर सेल्स जो है वो ट्री पर माउंट कर देते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपना डेली यूज़ के लिए जो अप्लायंसेस हैं उनको भी चला सकते हैं और पावर ग्रिड को भी दे सकते हैं। तो सर, क्या सोलर ट्री से इतनी एनर्जी अवेलेबल हो पाएगी कि हम उसको ग्रिड पर भी सप्लाई कर पाएं? हाँ, अगर आप ज़्यादा सोलर ट्री लगाएंगे तो बिल्कुल हो पाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने जितने आप सोलर पैनल्स लगाएंगे, जितनी आप हाइट जैसे भी बढ़ाएंगे, तो स्पेस जितना जाएगा तो वो आप लगा सकते हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस FDP में? FDP में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सर, बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित थे और सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ें को समझा।